हेलो गाइज, वेलकम बैक। वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेटिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निस्टैग्मस के बारे में। निस्टैग्मस क्या होता है? बहुत सारे पेशेंट की आँख में निस्टैग्मस होता है। निस्टैग्मस का मतलब क्या होता है? हमारी आँख की जो आईबॉल होती है, आईबॉल एक मूवमेंट में हिलती है। जैसे कि वो मूवमेंट आपका राइट टू लेफ्ट हो सकता है, या फिर लेफ्ट टू राइट हो सकता है, अप टू डाउन हो सकता है, या फिर सर्कल में हो सकता है। जैसा कि अगर किसी का राइट टू लेफ्ट मूवमेंट है तो उसकी आँख क्या होगी? राइट से लेफ्ट की तरफ झटका लेगी, उसके बाद फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी, फिर से राइट से लेफ्ट की तरफ जाके फिर वापस आ जाएगी। अगर किसी पेशेंट का अप एंड डाउन मूवमेंट में है तो उसकी आँख अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह उसकी आँख पूरे दिन हिलती रहेगी। उस पेशेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ ही ऐसे पेशेंट्स का विज़न भी पूरा इम्प्रूव नहीं हो पाता, उनकी आँख का विज़न पूरा नहीं आ पाता। और उनकी आँख का अगर चश्मे का नंबर है तो उनके चश्मे के नंबर को उतारने के बाद भी हमारा कन्फर्मेशन नहीं होता कि उनके आँख का नंबर पूरा जाएगा और उनका विज़न पूरा आएगा। निस्टैग्मस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉन्जेनाइटल, एक होता है एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल क्या होता है? जो बाई बर्थ हमको होता है, जो हमारे जेनेटिक में आता है, जीन में आता है, उसको हम कॉन्जेनाइटल निस्टैग्मस कहते हैं। वो निस्टैग्मस कब आता है? जब हम 2-3 महीने के होते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी में वो आ जाता है। उसके बाद हमारी आँख निस्टैग्मॉइड मूवमेंट में हिलती रहती है। एक होता है एक्वायर्ड निस्टैग्मस। एक्वायर्ड निस्टैग्मस बाद में हमारी लाइफ में आता है, हम पहले ठीक होते हैं, पर वो किसी भी एज पे आ सकता है, उसका हम कुछ कन्फर्मेशन नहीं बता सकते। बाद में वो कभी भी आपकी आंखों में आ जाता है और आपकी आंखें इस तरह हिलने लगती हैं। तो कॉन्जेनाइटल निस्टैग्मस के क्या क्या कॉज होते हैं, किस वजह से कॉन्जेनाइटल निस्टैग्मस होता है? कॉन्जेनाइटल निस्टैग्मस के होने के कारण आज तक किसी डॉक्टर ने पता नहीं लगा पाए। वो हम आज तक जेनेटिक मानते हैं कि अगर पहले किसी को था आपके एंसेस्टर में तो हो सकता है उसकी वजह से आपको आ गया हो। एक्वायर्ड निस्टैग्मस हमको जब होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपके बॉडी में निस्टैग्मस हो जाता है, आपकी आंखें निस्टैग्मॉइड मूवमेंट में हिलने लग जाती हैं, उसको एक्वायर्ड निस्टैग्मस कहते हैं। अगर हम कॉज की बात करें कि उसके कॉजेस क्या होते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग ये सारी चीज़ें आप करते हैं, तो उसकी वजह से एक्वायर्ड निस्टैग्मस मतलब निस्टैग्मस आपकी आंखों में आ सकता है। बेसिक कॉज की बात करते हैं कि क्या क्या बेसिक कॉजेस होते हैं जिनकी वजह से हमको निस्टैग्मस होता है। पहला तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को निस्टैग्मस था तो हो सकता है उसकी वजह से आपको हो। साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको निस्टैग्मस हो सकता है। अगर आपके कोई चोट लगी है, कोई भी इंजरी हुई है, उसकी वजह से भी कई बार निस्टैग्मस हो जाता है। साथ ही अगर आपकी आंखों में कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोतियाबिंद है, या फिर आपकी आंखों में भेंगापन है, तो कई बार विज़न प्रॉब्लम की वजह से भी आपकी आंखों में निस्टैग्मस हो सकता है। तो निस्टैग्मस के अब सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या निस्टैग्मस के सिम्टम होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी आंखों में निस्टैग्मस तो नहीं है? एक तो हमारी आंखें लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, लाइट से हमारी आंखों पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। साथ ही हमारा विज़न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, हमारा जो विज़न होता है वो ब्लरी रहता है और हेजी रहता है, क्योंकि हमारी आँख एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब देखती है तो वो लाइट हमारे आके रेटिना पे पड़ती है और उससे हमको प्रॉपर विज़न मिलता है। जब निस्टैग्मॉइड मूवमेंट में हमारी आँख हिलती रहती है बार बार, तो एक प्रॉपर विज़न बन नहीं पाता और हमको ब्लरी विज़न मिलता है। साथ ही हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हिल रहा है, क्योंकि स्टेबल इमेज हमको नहीं मिलती है। हो सकता है बहुत टाइम बाद आपको उसकी हैबिट हो जाए, आपका ब्रेन जो है वो उस चीज़ को अडेप्ट कर ले, पर जो स्टार्टिंग एज में होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग जब इसके सिम्टम्स होते हैं उसमें आपको क्या लगता है, सब कुछ हिल रहा है बार बार, क्योंकि आपकी आँखें हिल रही हैं तो हमको ऐसा लगता है सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ स्टेबल नहीं है। तो प्रॉपर अगर हमको डायग्नोसिस करना हो कि क्या हमको निस्टैग्मस है, तो उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस क्या होता है, उसके लिए हम लोग एक तो पहले आपकी निस्टैग्मॉइड मूवमेंट हम कैप्चर करते हैं, देखते हैं कि कौन सी मूवमेंट में आप निस्टैग्मस आपका है। उसके साथ ही आपको एक बार ईयर वाले डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, उसके साथ ही आपको एक बार न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए जिनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। साथ ही आपके एक MRI CT स्कैन वो भी हमको करना पड़ता है कि मसल्स की, आई मसल्स की, इन सब चीज़ों की हम पूरी स्कैनिंग करते हैं, जिसके बाद पता लगाते हैं कि कहाँ पे डिफेक्ट है,
किस वजह से आपको निस्टैग्मॉइड मूवमेंट हो रही है। और बाकी निस्टैग्मस का अगर हम ये देखें कि जो हमारा निस्टैग्मस होता है वो किस वजह से होता है, कॉज का मैंने आपको समझा दिया। निस्टैग्मस जो होता है वो हमारी आँखों की वजह से नहीं होता, हमारी आँखों में कोई डिफेक्ट नहीं होता जिसकी वजह से हमको निस्टैग्मस होता है। निस्टैग्मस में क्या होता है, हमारी आँख की जो मसल्स होती हैं उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को, हमारी उन आँखों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, उनकी मसल्स को जब अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता जिसकी वजह से हमारी आंखें स्टेबल नहीं रहती और हमारी आंख बार बार हिलती रहती है। बाकी अगर निस्टैग्मस के ट्रीटमेंट की बात करें तो कैसे उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, निस्टैग्मस की कोई अभी तक सर्जरी नहीं है, उसका ट्रीटमेंट नहीं आया। अगर आपके चश्मे के नंबर की वजह से आपका थोड़ा बहुत निस्टैग्मॉइड मूवमेंट कम होता है, जिसको आपको पहले अपनी आंखें टेस्ट करानी पड़ेंगी, वो उसके बाद ही पता चलेगा, तो वो आप ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका मूवमेंट थोड़ा बहुत कम हो जाए, उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए। निस्टैग्मस की सर्जरी अभी तक कोई नहीं हुई है। अगर आपका निस्टैग्मस डायग्नोस हो जाता है कि वो अल्कोहल की वजह से है, तो आप प्लीज़ अपने अल्कोहल का कंजम्पशन कम कर दीजिए, जिससे आपकी आँखें बच जाएंगी और आपकी आँखें हो सकता है वापस से ठीक हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।